एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास सिक्स पार्ट दो, सब्जेक्ट हिंदी। आज मैं हिंदी में आपके पार्ट दो का एक ही इसमें स्टोरी दी गई है छोटी सी, इसी को बताने जा रही हूँ, छोटा जादूगर। इस पाठ में इसका उद्देश्य क्या है कहानी का, ये बताया गया कि छोटा जादूगर की कहानी क्या है और उसके माध्यम से हमें क्या इसमें ज्ञान मिल रहा है। तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज की विसंगति की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जहां देश सेवा के कारण पिता के जेल जाने पर एक असहाय बालक अपनी कलाकारी दिखाकर अपना तथा अपनी बीमार माँ का गुजारा करता है। यह घटना जिस समय की है उस समय एक रुपये का भी बहुत मूल्य होता है। आप देखते हैं आजकल एक रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जिस समय ये छोटे जादूगर की कहानी है उस समय एक रुपये बहुत बहुमूल्य होता था। आइए अब हम ये कहानी पढ़ते हैं। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ, उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, लेखक उस बच्चे से क्या पूछते हैं, क्यों जी तुमने इसमें क्या देखा। मैंने सब देखा है, बच्चा क्या बोलता है, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं और तीर से नंबर छीनते हैं। मुझे तो खिलौनों पर अच्छा निशाना लगाना मालूम है, जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल में ही मतलब मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी बाड़ी में कहीं बनावट ना थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है, तुम वहाँ गए थे। नहीं, मैं वहाँ ना जा सका, टिकट लगता है, मैंने मन ही मन में कहा। भाई आज के तुम ही मित्र रहे, मतलब वो क्या कहता, आज से तुम हमारे क्या हो गए, मित्र हो। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। वो लेखक के साथ वहाँ निशाना लगाने बच्चा चला गया। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया, वो अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोला पर हाँ पीने के लिए वो क्या किया, अपना सिर हिला दिया। जैसे आप लोगों का कुछ चीज़ों का मन होता है तो आप मुंह से नहीं कहते हैं लेकिन इशारों से बात कर लेते हैं अपने मम्मियों से। मनुष्यों की भीड़ में जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में मैंने पूछा, तुम्हारे और कौन है। माँ और बाबूजी हैं, उसने कहा। बालक ने कहा, उन्होंने तुमको वहाँ जाने के लिए मना नहीं किया। तो वो क्या बताया कि उसके बाबूजी यानी जो पिताश्री हैं उसके, तो वो कहाँ हैं, जेल में हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो देश के लिए वह गर्व से बोला। उसने क्या कहा कि हमारे पापा देश के लिए वहाँ जेल चले गए हैं और तुम्हारी माँ, तो वह बोला कि माँ हमारी क्या है, बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। लेखक उसे क्या कहता है कि तुम्हारे पापा जेल में चले गए हैं और मम्मी बीमार है और तुम यहाँ पे तमाशा देखने आए हो। उसने मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ के पास दूँगा। मुझे शरबत पिलाने के बजाय आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ जेल में, जब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की सेवा करूँ और अपना
पेट भरूं। मैं दीर्घ निश्वास लिया और चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्याग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? उसने कुछ खिलौनों को मेरे रुमाल में तथा कुछ को अपनी जेब में रख लिया। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। वह नौ-दो जारा हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई, यानी कितना जल्दी वो बच्चा बदल गया अपनी बात से। मैं घूमकर पानी की दुकान पर आ गया। पान खाकर वहीं बड़ी देर तक इधर उधर टहलता और देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर, कलकत्ता के सुरभ्य वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, मैंने कहा। तभी श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुपचाप हो गया। श्रीमती की बाड़ी में वह माँ की मिठास थी जिसके सामने उस लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने में लगा दिया। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, लड़के कि वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के। वह लड़का बोला, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? तो पहले भरपेट, बच्चा क्या कहता, पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई काँप रही थी। मेरे आँखों से आंसू निकल पड़े। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी, मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन ऊब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो भी अच्छा रहता। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मम धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी, पर सब होते हुए भी जादूगर की बाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रो रहे हों। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने के बाद पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह
जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा कि आज, बच्चा क्या कहता है, माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरे घड़ी समीप है। अविचल भाव से, मतलब उसका मन जो था वो बहुत विचलित था, वो विचलित भाव से उनसे कह रहा था ये, तब भी तुम खेल दिखाने आए हो? मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था, क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो मोटर वाला। मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में झोपड़ी के पास पहुँच कर जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था किंतु स्त्री के मुंह से बेटा निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। मैं स्तम्भ यानी मैं चकित रह गया। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा। यानी उसकी माँ की क्या हो गई, डेथ हो गई है। समग्र यानी क्या होता है, सारा। तो देखिए ये कहानी जो थी तो किसी की थी, प्रसिद्ध कवि हमारे लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी की थी। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बताया है कि छोटा सा बच्चा मेहनत करके कैसे वो अपने परिवार का पेट पालता था और कितनी ईमानदारी से काम करता था। अब आप इसके ये देखिए क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट, सही विकल्प पर सही का हमें निशान लगाना है। इसमें के मैदान में बिजली चमक रही थी, तो किसके मैदान में, कार्निवाल के। प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके छोटे जादूगर के स्वभाव में थी क्या, थी संपूर्णता थी। लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर को कितने रुपए दिया था, 1 रुपया दिया था। छोटे जादूगर मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट रही थी, इसका आंसर तिरस्कार होगा। छोटे जादूगर की थी बीमार, कौन बीमार था, छोटे जादूगर की माँ बीमार थी। और ये रिक्त स्थान भरिए, हम दोनों पीकर निशाना लगाने चले तो क्या पीने थे वो लेखक, और वो शरबत पिए थे। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग। इतनी जल्दी आंखें बदल गई, बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। उसके दुर्बल हाथ यहाँ पे उठकर होगा, उठकर गिर गए। अब इसमें हमें बताना है किसने किससे कहा देश के लिए। तो देश के लिए किसने कहा था, छोटा जादूगर ने बताया था कि उसके पापा जेल क्यों गए थे, देश के लिए गए थे। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, छोटे जादूगर ने लेखक से कहा। और तुम तमाशा देख रहे हो, ये लेखक ने किससे कहा था, छोटे जादूगर से कहा था। आज कहिए तो खेल दुखाऊं, ये छोटे जादूगर ने लेखक से बोला था। पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, ये छोटे जादूगर ने लेखक की पत्नी से कहा। आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं, ये लेखक ने छोटे जादूगर से कहा। ये देखिए इसमें आपका थोड़ा ग्रामर पोर्शन है, ये देख लीजिए। फर्स्ट क्या है, उचित प्रत्यय लगाकर हमें नए शब्द बनाना है। तो प्रत्यय की डिफिनीशन तो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं या पीछे लगते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे बनावट है, इसमें हम ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बनावटी हो जाएगा। आवश्यक धन ता बराबर आवश्यकता हो जाएगा। चतुर धन आई बराबर चतुराई हो जाएगा। गर्भ धन ईला बराबर गर्वीला हो जाएगा। और गंभीर धन ता बराबर गंभीरता हो जाएगा। और सेकंड नंबर, उचित उपसर्ग लगा के नए शब्द बनाना। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं। ये देखिए शब्दांश के हमारे शब्दों के आगे जुड़ रहे हैं और एक शब्दांश बन जाते हैं। तो नौ धन जीवन बराबर नौ जीवन हो गया। बेधन मन बराबर बेमन। अपधन मान बराबर अपमान। साधन बल बराबर सबल। और सुधन रम्य बराबर सुरम्य। इधर देखिए आप लोग, नेक्स्ट थर्ड नंबर।
निम्नलिखित शब्दों के हमें विलोम यानी इसका उल्टा अपोजिट बताना है। दुर्बल का सबल हो गया, स्वीकार का अस्वीकार, अपमान का सम्मान, विश्वास का अविश्वास, धीर का अधीर, प्रसन्नता का अप्रसन्नता, मिठास का खटास होता है और सहमत का असहमत होता है। और ये लिखा है आपका, ये हो गया घ नंबर में निम्नलिखित शब्दों से हमें वाक्य बनाना है। तो मैं इसका वाक्य आपके लेसन से ही बीच में कुछ वाक्य जोड़ के बनाई हूँ, छोटी जादूगर से ही रिलेटेड। आप लोग चाहें तो इससे बहुत सारे वाक्य बन जाते हैं जो आप डेली यूज में बोलते हो या कुछ भी, तो आप चाहें तो इसे अपने से भी बना सकते हैं। जैसे सहमत, तो मैं जादू दिखाने के लिए सहमत हूँ, ये छोटा जादूगर ने बोला था, तो ये सहमत वर्ड इसमें भी हो रहा है। संध्या क्या होगा, मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। ये लेखक हमें बता रहा था कि मनुष्यों की वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ पे जो संध्या यानी शाम का टाइम था वो भी गर्म था। अभिनय, छोटा जादूगर अभिनय करके अपना परिवार चलाता था। संसार में हर तरह के व्यक्ति रहते हैं। स्तंभ यानी चकित रह जाना, लेखक छोटे जादूगर की माँ को देखकर क्या हो गया, स्तंभ था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।